हेलो एंड राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताइएगा। आज मैं कोरोना के लिए टेस्ट करवा रही हूँ RT-PCR। पहले मैंने किट टेस्ट करवाया कोरोना, तो नेगेटिव आ गया था, लेकिन क्योंकि मेरी स्मेल जा चुकी है और टेस्ट भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने RT-PCR करवा लिया है। तो आइए देखते हैं, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पाई। हेलो, मीठा पानी पे अपना आंसू आ। मम्मी कैसे किया, नाक से निकाला? नाक से क्या? मीठा पानी ORS हर एक आधे घंटे में पीना है, भूल गया। तो यहाँ पे विभू ब्रेड सेक के ले आके मुझे दे रहे हैं। विभू को ब्रेड सेकना आ गया है, चाय बनाना आ गया है, यही 4 दिन की बीमारी में। देखिए तो कैसे सेक रहे हैं। सारे देखिए कितना बढ़िया ब्रेड सेका है विभू ने। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। हाँ, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने टेस्ट करवाए, कोविड टेस्ट भी करवाया, RT-PCR सारे उसके टेस्ट हो गए, लेकिन सब नेगेटिव है। कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया किस तरह का वायरल था जिसने बहुत झिला दिया। अभी भी बहुत अच्छा गला नहीं है, लेकिन पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और जैसे ही ठीक हुई हूँ तो आप देखिए, मेरे घर में कपड़ों का पूरा ढेर लगा हुआ है, पहाड़। इधर देखिए, तो अभी मैं बैठ के कपड़े समेट रही हूँ। आज सुबह सुबह ढेर सारे मशीन में कपड़े लगाए और धोए। तो इसी तरीके से हर किसी, हर गृह, हर औरत की यही कहानी है। और मैं आज दोपहर में खाने में बनाया कढ़ी चावल, लेकिन उसको मैंने शेयर नहीं किया है। और आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सोचा कि यार शायद मुझे कोरोना ही हो गया है, क्योंकि मेरी स्मेल बिल्कुल चली गई है और टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा यार सबसे पहले कोविड टेस्ट करवा लेते हैं। कोविड टेस्ट करवाया, उसमें नेगेटिव आया। फिर उसका RT-PCR भी करा लिया, वो भी नेगेटिव आया। अभी सारे ब्लड टेस्ट जो कराए हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसमें पूरा LFT KFT सारा, लिपिड प्रोफाइल सारा कराया हुआ है। आगे उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और ये सारी रिपोर्ट मैंने करा ली है। स्मेल मेरी बिल्कुल चली गई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन कोविड नेगेटिव आया हुआ है। तो मैं अभी फिलौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने चल रही हूँ। जुकाम में कुछ तीखा चटपटा खाने की इच्छा तो होती ही है, तो मैंने सोचा मैं भी खाऊं, मेरे गला और नाक खुल जाए एक बार। तो मैं ये कद्दूकस
कर लिया है आलू, प्याज काट लिया है और इसमें नमक, हरी मिर्च खूब सारी डाली है तीखी करने के लिए। तो मैं इसको पकौड़े बनाने चल रही हूँ। इस तरह से आप लोग भी कभी ट्राई करिए, अच्छा टेस्टी बनेगा। आप ब्लैक पेपर डाल लेना, इसमें हल्का सा गरम मसाला, चाट मसाला डाल सकते हैं या ऊपर से चाट मसाला भी डाल सकते हैं तलने के बाद। इसको बेसन में अच्छे से मिला लें, बेसन इतना ज़्यादा न डालें कि सख्त हो जाए, उतना ही डालें जिससे तलने में आसानी रहे, उतने तक ही डालें। एक ट्राई चेक करके देख लें कि अगर तल रहा है तो उससे ज़्यादा बेसन न डालें। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा खुला खुला ही इसको मैं तल रही हूँ, उसको बिल्कुल बधा हुआ नहीं, जिससे क्योंकि आलू है कद्दूकस किया हुआ, जिससे अच्छे से कुरकुरा हो। खूब चटपटा टेस्टी कुरकुरा एकदम आलू प्याज का पकौड़ा। आप लोग भी कभी इस तरह से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार हो जाए फिर इसको पलट दें, बीच बीच में बहुत ज़्यादा छेड़े नहीं। अब इसे हम पलट दे रहे हैं अच्छे से। अब इसके बाद थोड़ी देर वेट करें, अच्छा सुनहरा हो जाने दें बढ़िया। बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बन के तैयार है। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।